नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से जो नई रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है जूनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें आपका आईटीआई बी और बीटेक के लिए वैकेंसीज है। ऑलरेडी मैं इसका फुल नोटिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, प्लस आपका ऑनलाइन इसका कैसे करना उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, और आपके जो भी डाउट्स था उसको क्लियर करने के लिए एक और वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, जैसा दोस्तों आपको पता होगा ईसीएल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आए उसमें ईसीएल के जो ईएमएसडी डिवीजन होता है उसमें वैकेंसीज को ऐड नहीं किया गया था, जिसके वजह से इन्होंने एक कोरिगंडम जारी किया गया, यानी कि लेटेस्ट एक नोटिस जारी किया है जिसमें ईएमएसडी डिवीजन में वैकेंसीज को बढ़ाया है, यानी कि ऐड किया, जिसमें 180 सीटें और आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी पहले 115 सीट था टोटल, अभी ईएमएसडी डिवीजन में सीट को ऐड किया, यानी कि 180 सीट और बढ़ जाएगी, टोटल आपका 295, यानी कि लगभग 300 के आसपास आपका सीट इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। 300 सीट आपका टोटल, एक तरह से मान के चलिए आपका 295 सीट आपका हो गया है टोटल। तो किस किस कैटेगरी जो है वैकेंसीज को ऐड किया है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे कोई भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से उसको जरूर अपडेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर डेट देख सकते हो दोस्तों 31 जुलाई 2024, यानी कि आज ही के डेट में ये नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस, ठीक है। और जिन्होंने ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं देखा हो उस वीडियो को, तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उनका फुल नोटिफिकेशन का वीडियो देख लीजिए। देन इसके बाद आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी है तो ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों वीडियो का आप देख लीजिएगा। अभी एक कोरिगंडम जारी किया है, कोरिगंडम करने का मतलब ये होता है कि जो भी कोई वैकेंसीज आता है और उसमें कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी अपडेट होता है, तो उसको कोरिगंडम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोरिगंडम टू एडवर्टाइज नंबर 17/2024, तो अभी जो रिक्वायरमेंट है उसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है, एडवर्टाइज नंबर 17/2024। तो इसका एक कोरिगंडम आज ही के डेट में रिलीज हुआ है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो, विथ रेफरेंस टू आवर एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2024, द फॉलोइंग पोस्ट पर्यटन्स टू ईएमएसडी हैदराबाद हेडक्वार्टर आर इंक्लूडेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नंबर्स, ठीक है। तो ईसीएल के जो ईएमएसडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें जो वैकेंसीज को ऐड नहीं किया गया था, फाइनली दोस्तों अभी इसकी वैकेंसीज को ऐड किया है, ठीक है, ईएमएसडी डिवीजन में तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज को ऐड किया है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कैटेगरी 8 में 4 वैकेंसीज को और ऐड किया है, जिसमें बीटेक के लिए और ईटीसी ईएनआई और इलेक्ट्रॉनिक, जिसके लिए यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा है, जैसे बल्क प्रोडक्शन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, पीसीबी लाइन असेंबली प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, पीसीबी डिजाइन टूल्स, इलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, इलेक्शन ऑपरेशन वगैरह, इससे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास, इनमें से कोई भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर कैटेगरी 8 के लिए वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिसमें 4 सीट को बढ़ाया गया है। और ये जो पोस्ट में है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सीट है, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर में सीट को इंक्रीज किया है, बाकी टीओसी में भी किया है। और कैटेगरी 9 में 2 वैकेंसीज को ऐड किया है, और कैटेगरी 10 में 2 वैकेंसीज को ऐड किया है, और कैटेगरी 32 नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो 32 में देख सकते हो दोस्तों 145 सीट को और ऐड किया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी 32 में अप्लाई करेंगे, क्योंकि 145 सीट है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चांसेस है कि आपका 100% चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट इंजीनियर में इतनी मात्रा में सीटें काफ़ी ज़्यादा है, और इसका सही भी स्टार्टिंग से ही 40,000 रहता है दोस्तों, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको रिलेवेंट फील्ड में बी बीटेक होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो, और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, इनमें से जो भी फील्ड दिया इसमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। उसके बाद टीओसी में, टीओसी के सीट में भी इंक्रीज किया है, जैसे यहाँ पर कैटेगरी 33 भी ऐड हुआ, जिसमें 31 सीटें हैं टीओसी के लिए। उसके बाद कैटेगरी 34 भी ऐड किया है, जिसमें 4 सीट बढ़ाया है सिविल के लिए। तो पहली बार दोस्तों टीओसी में सिविल के लिए भी वैकेंसीज है, तो यहाँ पर 4 सीट सिविल इंजीनियर के लिए भी है,
तो पिछली बार जो नोटिफिकेशन था उसमें 31 तक कैटेगरीज था, बट इसमें 32 ऐड किया है, 33 ऐड किया और 34। तो सबसे ज़्यादा सीट इंक्रीज हुआ है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें कैटेगरी 32 145 सीट इंक्रीज किया गया। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं देख सकते हो दोस्तों। प्लीज़ नोट अदर टर्म एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर रिमाइन अंडर अनअल्टर्ड कोरिगंडम या एक्सटेंशन ETC इफ एनी सेल बी पब्लिश्ड ओनली आवर वेबसाइट। तो कोई भी इन फ्यूचर में कोई भी अपडेट वगैरह आएगा तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो और इसकी फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ आपने मैंने जो है वीडियो के माध्यम से बता रखा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अभी कैटेगरी जो ITI के लिए जो सीट है वो अभी इंक्रीज का कोई भी कोरिगंडम जारी नहीं किया है, तो जैसे ही ITI की सीट का इंक्रीज होगा मैं इसके भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए तो अभी कोई अपडेट नहीं है ITI का सीट इंक्रीज को लेकर, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा नोटिस आता है या कोरिगंडम आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।